कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी फैसलों पर अंतरिम रोक लगा दी और इसके साथ ही इस फैसले का विरोध कर रहा विपक्ष पहले से और ज्यादा आक्रामक हो गया, क्योंकि इस वक्त फैसले में जीत एक तरह से देखी जाए तो विपक्ष की हो गई। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आया है। नगीना के सांसद ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, दुकानदारों को मालिकों के नाम लिखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की हिटलरी फरमान पर माननीय उच्चतम न्यायालय की रोक लगाना, संविधान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा के सिद्धांत को मजबूत करना है। संविधान की जीत हुई है, फैसले का हम स्वागत करते हैं। सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान मीडिया से इस मुद्दे पर बातचीत की और कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं कि जब सत्ता तानाशाही पर उतर आएगी और संयोग प्रयोग में आ जाएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि आप गलत करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्हें बधाई कि उन्होंने जनहित के मुद्दे को उठाया। वहीं आसपास सांसद ने कहा कि हम तो सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भी करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी प्रार्थना लखनऊ पहुंचती है या नहीं। जैसा सुना गया कि दुकानों से कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया तो उनके परिवार का क्या होगा, उन्हें न्याय रोजगार कहां से मिल जाएगा, उनकी तमाम जरूरतों का क्या होगा। आप किसी का रोजगार छीन रहे हो तो आप उसे काम दो ना, आप क्या करना चाहते हैं, बस प्रयोग किया जा रहा है। देश अब समझ गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी नेम प्लेट विवाद पर कहा कि जो कोर्ट ने कहा है उस पर जवाब जरूर दिया जाएगा, उनके आदेश का पालन होगा। एक तरफ जहां विपक्ष नेम प्लेट के आदेश पर सुप्रीम रोक को यूपी सरकार के लिए झटका बता रहा है, तो वहीं सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम आदेश सरकार के लिए झटका नहीं है, अदालत के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे। हमारा इरादा आस्था को लेकर किसी भी प्रकार से विवाद से बचने का था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।